नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पीवीआर स्टडी। मैं राजकुमार रघुवंशी आपके सामने आज आपकी एक और नई क्लास लेकर के। आज की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे संख्या को कैसे पढ़ते हैं और उसे शब्दों में कैसे लिखा जाता है। जैसे कोई अंक लिखा है अगर, तो उसे आप क्या जानेंगे कि क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, इस क्लास को पूरा देखिएगा। ये आपकी तीसरी बैच की क्लास है। देखिए, बहुत से लोगों के सवाल आते हैं, है ना। तो आपकी जीरो लेवल की क्लास जो है वो कई बैच में चल रही है, ठीक है। पहली बैच में जैसे तीसरा भाग है, तो दूसरी बैच में मान लेते 10वां भाग होगा, तीसरी बैच में जो है ये 115 भाग होगा। तो हर एक बैच में ये अलग अलग है, ठीक है। तो इससे टेंशन मत लीजिएगा, ये अलग अलग समय पर क्लास शुरू हुई है। तो चलिए देखते हैं आज आपका ये जो भी बैच होगी, स्टार्टिंग का ही है फिलहाल। जैसे नंबर लिखा है 312, इसे क्या पढ़ेंगे? अगर किसी को बताना है तो आप कैसे बताएंगे क्या है? 302 है, 300 है, या फिर 3012 है, या 312 है? जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं। इसका सही उत्तर लगभग सभी लोगों को मालूम होगा, जिन लोग को नहीं मालूम होगा वो लोग ध्यान से देखेंगे। बिल्कुल शुरू से ये क्लास है, जीरो लेवल से। देखिए, पहले तो हमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार इसका ज्ञान होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे हम उसकी बात करेंगे। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, इसे नोट कर ले और फिर हम इसकी बात करते हैं। जल्दी से नोट कर ले, फिर हम आपको इसका मेथड और रीजन बताते हैं कैसे क्या है। एक बात ध्यान दीजिएगा, आज जो हम लोग बात करेंगे वो केवल भारतीय पद्धति की बात करेंगे, यानी कि इंडियन नंबर सिस्टम की बात करेंगे। बाकी जो मिलियन बिलियन में काउंट होता है ना, ये इंटरनेशनल नंबर सिस्टम होता है। तो हम लोग केवल इंडियन नंबर सिस्टम की बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा। जैसे अगर कोई भी नंबर हमने लिख लिया, मान लेते हैं ये लिखा था अभी ना 312, इसे पढ़ते हैं 312। कैसे पढ़ते हैं इसका कॉन्सेप्ट देखिएगा। अब अगर यहां से मिटा दिया तो इसको तो आप जानते ही है कि ये 12 है ना। दो अंक का आप सभी लोग जानते हैं, 1 से 100 तक गिनती सभी लोग पढ़ लेते हैं ना। तो बस अगर 1 से 100 तक पढ़ लेते हैं तो उसके आगे हम लेके आपको चलते हैं। नहीं आती होगी तो बताइएगा, वो भी बताएंगे। देखिए, हमने लिखा था 312, 312, तीन अंक है ना। आपको क्या करना है, एक एक अंक को इधर साइड से इसके इसके नीचे लिखते चलना है। जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, इसको इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में बोलते हैं। 1, 10, 100, 1000, 10,000, फिर 100,000, ऐसे वगैरह वगैरह होता है। उसमें करोड़ और लाख नहीं होता, मिलियन बिलियन होता है। तो ये 312 जो था ना, इसका एक डिजिट हम यहाँ लिखेंगे, इकाई, एक यहाँ, एक यहाँ। ध्यान दीजिएगा, इसी अनुसार चलता है। अब देखिए, सैकड़ा की जगह पर क्या है, तीन है ना। सैकड़ा की जगह पर क्या है, तीन है। तो आप लिखेंगे 300, लेकिन ऐसे तीन नहीं लिखेंगे, इसको शब्दों में लिखेंगे। हम आपको शब्दों में लिखना सिखाएंगे, हमारी गारंटी है। पूरा देखिएगा, 300 हो गया ना। आप तीन को मान लो मिटा दो भाई, छिपा दो, हो गया 300, काम खत्म। क्या बचा, 12 बचा है, तो लिख दो 12, बस हो गया 312, है ना, क्लियर। लेकिन अगर इसी में थोड़ा सा और जोड़ दें, तब क्या होगा, तब क्या होगा, ये तो 312 हो गया ना, हो गया। लेकिन इसी में हमने यहां पे जोड़ दिया क्या, 7। अब बताइए इसको क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे इसको अब। चलो गिनते फिर से, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। देखिए, हजार की जगह क्या है, 7 है ना। हजार के नीचे क्या है, 7 है। तो आप लिखेंगे 7000, क्या लिखेंगे, 7000। अब 7 को मिटा दो, इसका काम खत्म। क्या बचा, अरे वही तो बचा जो अभी लिखा था 312, यानी इसे आप इसमें जोड़ दीजिए, ये हो गया पूरा। क्या पढ़ेंगे इसे, इसे क्या पढ़ेंगे, इसे क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, 7312। समझ में आ गई बात ना, आ गई समझ में। एक और देखिएगा, देखिए एक और देखिएगा, ये तो 7 हो गया। मान लेते हैं कि हमारी गिनती एक और बड़ी हो गई, इसमें हमने 1 लिख दिया। आप मामला दांव पे पहुंच रहा, ध्यान दीजिएगा। और हाँ, क्लास को जल्दी से लाइक कर दें, क्योंकि अब टफ हो रहा बाबू, ठीक है। लेकिन अगर आप हमारे साथ बने रहेंगे तो मैथ आसान है, बिल्कुल आसान है। देखिए कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब फिर से गिनिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 10,000 का मतलब ये नहीं कि आप यहां 10,000 लिख देंगे। आप गौर से देखिए, 10 में 2
दो डिजिट होता 10 में ना, दो डिजिट है, एक दो, दो अंक है ना। तो जब भी 10 की बात आती है तो हम इसको बोलेंगे तो हजार ही, क्योंकि हजार के नीचे है ये, लेकिन दो डिजिट मिला के तभी बोलेंगे, अकेले नहीं बोलेंगे। जब भी 10 की बात आएगी, चाहे 10,000 चाहे 10 लाख, तो हम पड़ोसी को भी अपने में समेट लेंगे, ठीक ना। जैसे एक की जगह पे क्या है, 10,000 है ना, लेकिन हम इसको ये ऐसे नहीं बोलेंगे कि 1 10,000। जैसे ये 7 जो है हजार के नीचे था तो हम लोग बोलते थे 7,000, ये 10,000 के नीचे 1 है तो इसको हम ऐसे नहीं बोलेंगे 1 10,000 ना, बगल वाले को शामिल कर लेंगे, पड़ोसी को, तो क्या बोलेंगे 17,000। क्या बोलेंगे 17,000, समझ गए ना, क्या बोलेंगे 17,000। तो अब आप इसका शब्दों में क्या लिखेंगे, ये अंक आपका यही तो बना ना, 1 7 3 1 2, यही तो है ना जो उधर मैंने लिखा फैला के, तो ये हो जाएगा आपका 17,000 और 312। समझ गए ना, उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। ये तो मात्र 5 अंक की संख्या थी बाबू, आप लोग समझ गए। मान लेते हैं एक और बड़ी हो गई तो क्या करेंगे, तो प्रॉब्लम क्या है, चलो बड़ी कर देते ना एक और। देखिए 5 अंक की संख्या थी ये, है ना, क्या था ये टोटल संख्या थी हमारी 1 7 3 1 2, ये थी ना। प्रॉब्लम क्या है, इसमें 9 जोड़ दो और 1, अब ये 6 अंक की संख्या हो गई। अब इसे क्या पढ़ेंगे, बहुत से लोगों को पढ़ना नहीं आता है, इसे क्या पढ़ेंगे, अगर इसमें से मैंने 9 मिटा दिया, अब इसे क्या पढ़ेंगे, 17,312 पढ़ेंगे। लेकिन अगर इसमें 9 मिला दिया, अब गड़बड़ हो गया, अब 17,000 नहीं पढ़ेंगे, यहां 9 लिख लो भाई। देखिए लाख तक आ गई संख्या, लाख तक, इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख, लाख लाख की जगह पे कौन है, 9 है ना, तो आप क्या बोलेंगे इसे, इसे बोलेंगे, देखिए लाख की जगह पे 9 है ना, तो आप 9 लिखेंगे, 9 लाख। बस वही पुराना धंधा जो पीछे था, 9 लाख हो गया ना, इससे तो आप परिचित है ना पहले से ही, तो 9 लाख। अब इसको मिटा दो, जो लिख दिया उसको मिटा दो, खत्म। अब यहां तक गिनो क्या है, हमने आपको बताया था अगर 10 लाख की बात होगी तो 2 अंक समेट के बोलेंगे, तो क्या बोलेंगे 17,000। 17,000 हो गया, इसको भी मिटा दो, जो जो हो जाए उसको मिटा दो, काम खत्म। क्या बचा 312, तो लिख दो ना, रोका कौन है, 312। हो गया ना क्लियर, मैथ में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, 100% गारंटी के साथ हम आपको मैथ सिखाते हैं। लेकिन हाँ, आपके दिल में भी सीखने की चाहत होनी चाहिए, ये नहीं कि जबरदस्ती नहीं सिखाते, तड़प होनी चाहिए सीखने की, ठीक ना। जैसे देख रहे हैं 9793488448, इस नंबर पर JOIN ज्वाइन लिख करके भेजें और क्लास ज्वाइन करें, आपको गणित सिखाने की पूरी 100% गारंटी, ना एक ज्यादा ना एक कम। कॉमेडी देखा आपने, है ना, बस बिल्कुल वही कॉमेडी की तरह, और मजेदार तरीके से सिखाएंगे, ये भी टेंशन मत लीजिएगा। ये हो गया ना, यानी कि आप 9,17,312 को लिखने लगे। अब इतना ही नहीं, आप और बड़ी संख्या को भी लिख पाएंगे। कैसे लिख पाएंगे, हम आपको वही तो बता रहे हैं, इसको लिख लेते हैं जहां तक हमने उपलब्धि अभी तक हासिल किया, यहां तक इतना किया ना, इतना था, कुछ और था ना, इतना नहीं था, यहां पर एक था ना, एक था यहां पे, 9 था, इतना था ना, इतना हम लोगों ने कर लिया। चलो भाई इसमें एक और बढ़ा देते हैं 2। अब ये संख्या आपकी कितनी बन गई, ये बन गई, देखो क्या बन गई, 29 और 17,312, इतनी बड़ी संख्या बन गई। अब इसे क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे इसे आप, इतनी बड़ी हो गई, अगर किसी को बताना है तो आप कैसे बताएंगे। हम 100% उम्मीद के साथ कह रहे हैं, जितने लोग क्लास में जुड़े हुए हैं उसमें से 70% लोग नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन बहुत आसान है। कैसे, देखिए लाख 10 लाख तक आ रहा है ना, मैंने बताया था जहां भी 10 की बात होगी, जहां भी 10 की बात होगी वहां पड़ोसी को समेट लेंगे, यानी कि लाख तो बोलेंगे, ऊपर लाख है लेकिन पड़ोसी को बोलेंगे, तो क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे 29 लाख। हो गया 29 लाख, अब क्या बचा, मिटा दो जो हो गया उसको, खत्म। देखिए 10 और हजार के नीचे 7, 10,000 के नीचे 1, मतलब दोनों को मिला के बोलेंगे, अगर कहीं 10 की बात आती है दो गिनती मिला के बोलेंगे 17,000। अच्छे से लिख लीजिएगा सुंदर से आप, ठीक।
मिटा दो जो लिख दिया, काम खत्म। तीन अंक तो सभी लोग परिचित हैं, है ना, 312, 312, यानी कि 917,312। इसको लिख लेंगे ना आप लोग, कुछ गड़बड़ था क्या, कुछ गड़बड़ होगा तो बता दीजिएगा, माफ करिएगा। 29 लाख है ना, है ना, 29,17,312, समझ गए ना, 9 लाख नहीं। अभी हमने आपको बताया था पूरा गिनती फिर से चाहे लिख लीजिए, ये तो आपको मैं समझाने के लिए मिटा देता था बीच बीच में। ये 312 है ना, उसके पहले क्या है, 17 है, और फिर क्या है, 9 है, फिर 2 है। आपने देख लिया होगा लाख तक की गिनती का हालचाल, हम बढ़ते हैं करोड़ में। अगर कहीं करोड़ में गिनती दी गई है तो क्या करेंगे, ये चलो इसमें 5 भी मिला दिया। अब ये आपकी टोटल 8 अंक की गिनती हो गई, कहीं अगर लिखी है तो आप कैसे पढ़ेंगे इसको, जल्दी से बताएं, कोई पढ़ के क्या पढ़ेंगे इसको, फटाफट बताएं। चलिए बताते हैं, देखिए करोड़ आ रहा है ना, करोड़ के नीचे 5 है, आप क्या लिखेंगे, बस वही जो लिखा है, 5 करोड़, ठीक ना। जब आपने 5 करोड़ लिख दिया तो बाकी तो सारा सिस्टम आपको मालूम ही है। देखिए 10 लाख ना, 29 लाख, 5 करोड़, 29 लाख, और ये देखिए बार बार बता चुका हूं, 17,000 और 312, समझ गए ना। ये जो देख रहे हैं ना अनएकेडमी, अगर आप मैथ के अलावा इसी तरह से और भी मनोरंजक क्लास करना चाहते हैं, पर्यावरण, बाल विकास, मनोविज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, जनरल नॉलेज, जीके, रीजनिंग, सब कुछ पढ़िए अनएकेडमी पे। डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक के माध्यम से अनएकेडमी पर फॉलो करें और देखते रहें आपका अपना PBR स्टडी। और हाँ, यूट्यूब पर मत छोड़िएगा, यूट्यूब पर आपकी होम ब्रांच है, ठीक है। तो ये हो गया ना, कोई भी क्वेश्चन है निसंकोच आप हमसे बोल सकते हैं, तुरंत बोले, फटाफट बोले, अगर कोई प्रॉब्लम है तो तुरंत बोले। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, इसको सुना ना आपने, जी बिल्कुल इन्हीं बातों पे चलना है ना। चले न एक रास्ते पर हम, भावना मन में बदले की होना। इन्हीं बातों के साथ इस क्लास को समाप्त करते हैं और इसे नोट कर लीजिए, व्हाट्सएप नंबर, वेबसाइट pbrstudy.com, फॉलो करें PBR स्टडी को अनएकेडमी पर, सभी क्लास को देखें मौज मस्ती के साथ, गप सप के साथ। फेसबुक पर भी अपडेट रहें, फेसबुक पेज अवश्य लाइक करें, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें और कॉल करने के लिए नंबर भी नोट कर लें। तो बोलते रहें, गुनगुनाते रहें, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, चले नेक रस्ते पर हम, भावना मन में बदले की होना। जय हिंद, जय भारत।